हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की यूनिवर्सिटी अपडेट जो है गुड न्यूज़ के साथ करते हैं, और न्यूज़ ये है कि अब यूजीसी ने एक साथ दो फुल टाइम डिग्री कोर्स की मंजूरी दे दी है। ये डिग्रियां आप एक यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी न्यूज़। दो पूर्णकालिक डिग्री कोर्स एक साथ कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों को एक साथ दो पूर्णकालिक डिग्री कोर्स करने की अनुमति दे दी है। यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप छात्र कई कौशल हासिल करने के मौका देने के लिए आयोग ने यह फैसला किया। जगदीश ने मंगलवार को बताया कि विद्यार्थी चाहे तो एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालय में एक समय में दो कोर्स कर सकते हैं। जल्द ही इस पर विस्तृत गाइडलाइन आएगी। विद्यार्थियों को एक साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में दो डिग्री कोर्स करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि यूजीसी ने चाहे आप ऑफलाइन मोड हो चाहे आप ऑनलाइन मोड हो, किसी भी मोड में दो डिग्री कोर्सेज जो है वो आप कर सकते हैं। वो आप एक यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं और अदर यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। तो आज की यूनिवर्सिटी अपडेट फर्स्ट ये थी। अब देखते हैं यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ बहुत तेजी से छात्रों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार का 100 दिन में 9 लाख से अधिक छात्राओं को यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना है। इसी क्रम में लखनऊ में कल कई विश्वविद्यालय में यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का वितरण हुआ। आप देख सकते हैं अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री ने टैबलेट स्मार्टफोन दिया। नर्सिंग के विद्यार्थियों को भी मिला। महावीर प्रसाद महिला डिग्री कॉलेज में भी टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का वितरण हुआ। आपको सारी सूचना आपके आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट से मिलेगी, कहीं आपको लिस्ट नहीं चेक करनी है। AKTU के विद्यार्थियों को भी जल्द ही यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का मिलने वाला है। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी की तीसरी अपडेट की तरफ। तीसरी सूचना AKTU से निकल के आ रही। AKTU अब टेरी के साथ काम करेगा। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने आपस में मुलाकात की और कई चीज़ों के बीच जो है वो सहमति बनाई है। प्रोफेसर पांडे ने सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च की प्रयोगशाला को भी देखा। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ भी बात की। दूसरी न्यूज, प्रोफेसर गौड़ बनेंगे AKTU के प्रतिकुलपति। AKTU के कुलपति प्रोफेसर प्रवीत कुमार मिश्र ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मनीष गौड़ को विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति नियुक्त किया। तो अब AKTU के प्रतिकुलपति जो हैं प्रोफेसर मनीष गौड़ होंगे, जो IT के जो है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं। तो आज की यूनिवर्सिटी अपडेट यही थी, और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।